हमको बताएगा कि भाई इसमें आवाज वगैरह बराबर आ रही है नहीं आ रही है, कोई एक बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। ठीक है, फिलहाल में हमने हमारी स्क्रीन को शेयर कर दिया आपके साथ में, और हम जो चलते हैं हमारा जो डेली जो मेथड है, आज का लेक्चर हमारा रिकॉर्ड भी होगा। न्यू स्टूडेंट अफजिया, अभी 20 बच्चे जो है वो ऑनलाइन है, मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो हम जो है लेक्चर को इंशाल्लाह धीरे धीरे शुरू करने वाले हैं। जैसे जल्द बच्चे ऑनलाइन आ जाते हैं, अगर से तो सभी का एक साथ जो है हम लेक्चर शुरू कर देंगे। मिर्जा शहबाज खान भी ऑनलाइन आ गए हैं। आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है कि अपना माइक ऑफ रखना है। शहबाज आपका माइक ऑफ कीजिए, अगर आपका माइक ऑन है, वैसे तो मैंने ऑफ कर दिया आपको, अगर किसी का माइक अगर ऑन होगा तो अपना माइक ऑफ कर सकता है, सिर्फ मेरा ही माइक जो है वो ऑन रहेगा। अब आपको चैट में कुछ प्रेजेंटी देने की जरूरत नहीं है। जिया अफजिया ऑलरेडी आपकी नाम यहाँ आ चुके हैं, इसीलिए हमने ऐप में लिया है आज। ठीक है, जवेरिया वगैरह जो अभी ज्वाइंट हो रहे हैं, इन तमाम बच्चों से ये मुद्दाना गुजारिश है कि हुजैफा बेटा आपका बंद करो माइक, आपका माइक शुरू है। हाँ, वेरी गुड, हुजैफा ने माइक बंद कर दिया। चलिए हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हमारा जो आज का जो लेक्चर है बच्चों, सबसे पहला जो आज हम जो लेक्चर डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, तो मैं इसको इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको साथ में आज एक काम करना है एक्स्ट्रा में, कि आपका बुक और पेन साथ में रखनी है कुछ, क्योंकि कुछ मैं ऐसे फार्मूले आपको सिखाऊंगा कि जो आपको इंशाल्लाह काम आने वाला है इसके अंदर। ठीक है, हमारा जो आज का सबसे पहला टॉपिक है बच्चों, उस टॉपिक का नाम है कंपोजिशन ऑफ टू एस एच एम। क्या नाम है इसका? कंपोजिशन ऑफ टू एस एच एम। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है, कंपोजिशन ऑफ टू एस एच एम। मतलब इसका क्या मतलब होगा? कंपोजिशन का मतलब होता है बच्चों मिलाना, मिलना किसी चीज का। ऑफ टू एस एच एम है, इसका मतलब यह है कि यहां पर एक ऐसा सिंगल पार्टिकल है, एक ऐसा सिंगल पार्टिकल है, एक ऐसा जर्रा है जिसके पास में दो एस एच एम है। ठीक है, कंपोजिशन का मतलब जमा होना, यानी यहां पर एक सिंगल पार्टिकल है जिसके पास में टू एस एच एम मौजूद है। और एक खास बात यह है कि जो एस एच एम जो मौजूद है बच्चों, एट द सेम टाइम, मतलब एक पार्टिकल के पास में एट द सेम टाइम सेम वक्त के अंदर टू एस एच एम है। क्या ये पॉसिबल केस है? तो आंसर हाँ, ये पॉसिबल केस है कि किसी पार्टिकल के पास में सेम टाइम में टू एस एच एम हो सकते हैं। एस एच एम होना इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है, इसका मतलब पार्टिकल के पास में एस एच एम है। और फिलहाल हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं, तो ये एक पार्टिकल ऐसा पार्टिकल है जिसके पास में एक साथ दो एस एच एम है। कितने हैं? दो एस एच एम है एट द सेम टाइम। ये बात आपको यहाँ पर ख्याल रखनी है कि सेम टाइम में जो होगा पार्टिकल के पास में जो होगा वो एस एच एम होगा। और कितने एस एच एम है यहाँ पर? दो एस एच एम है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, एक तो सेम टाइम होगा और उसी के साथ साथ में अलोंग द सेम पाथ, है ना। सेम पाथ का क्या मतलब होगा? जैसे अगर ये आपके पास में मेन पोजीशन है, ठीक है, और ये आपके पास में एक्सट्रीम है, राइट वाला, ये वाला लेफ्ट है। ठीक है, तो अगर वर्टिकल मेन पोजीशन से इधर अगर चल रहा है, तो इसके पास में अगर एक साथ दो एस एच एम है, तो इसका पाथ भी सेम होगा और इनका टाइम भी सेम होगा। दोनों दोनों एस एच एम का पाथ भी सेम होगा और दोनों एस एच एम का टाइम भी सेम होगा। फर्ज कीजिए कि वो जो आपका जो पार्टिकल है जिसके पास में एक साथ दो एस एच एम है, वो मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस। किधर एक्सिस कर रहा है? किधर मूव कर रहा है? अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरह ये ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ ख्याल रखनी है। लेकिन हमेशा याद रखिए, अगर दो पार्टिकल का अगर एक जैसा भी एस एच एम हुआ, अगर सेम टाइम में अलोंग द एक्स एक्सिस चलते हैं, तो हमेशा आपको याद ये रखना है कि उनका जो एम्पलीट्यूड होता है, जो हमने कल के लेक्चर में समझ लिया है एम्पलीट्यूड हम किसको बोलते हैं, उनका एम्पलीट्यूड और उसी के साथ साथ में जो उनका इनिशियल फेज होगा, एम्पलीट्यूड और इनिशियल फेज जो होगा बच्चों, वो हमेशा डिफरेंट होगा। ठीक है, मैं आपको चार बातें यहां बताया हूँ। सबसे पहले कंपोजिशन का मतलब होता है मिलना, किसी चीज को जमा करना। ऑफ टू एस एच एम मतलब यहां पर एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास में एक साथ दो एस एच एम है, सेम टाइम में सेम पाथ पर। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है कि वो पार्टिकल जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और चौथी वाली बात ये है कि अगर दो पार्टिकल का अगर एस एच एम सेम भी हुआ, तो उनका एम्पलीट्यूड मतलब है था जो कल के लेक्चर में मैंने डिस्कस करवाया था, और उसी के साथ साथ में जो उनका इनिशियल फेज होता है, इब्तदाई फेज जो होता है, वो बच्चों वो मुख्तलिफ होगा। ये दो चीजें आपको याद यहाँ पर रखनी है। ठीक है, हम जानते हैं कि व्हाट इज द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की क्या इक्वेशन है, ये बात हमको पता है। ठीक है, हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन होती है बच्चों,
हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है। तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन होती है बच्चों, वो होती है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। क्या होती है बच्चों? एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस साथ में क्या लगता है? फाइ लगता है। क्या लगता है बच्चों साथ में? फाइ। तो हम जानते हैं जो डिस्प्लेसमेंट की मसावात है वो होती है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट की जनरल इक्वेशन है जो हमने निकाली है, इसको हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन। ठीक है, इसी की मदद से हम हमारी आज की जो आगे की जो डिस्कस है वो बढ़ाएंगे। क्या है? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर तो दो पार्टिकल है, ठीक है, इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू एस एच एम, मतलब हमको दो एस एच एम के लिए मसावातें लिखनी है। तो हम दो एस एच एम के लिए अलग अलग मसावात लिखेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे बच्चों एक्स वन इक्वल टू लिखेंगे हम ए वन, मतलब ये पहले एस एच एम के लिए ए वन साइन ओमेगा टी। ठीक है, ए वन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन, ये फर्स्ट एस एच एम के लिए है। ठीक है, खास बात ये याद रखनी है कि अलोंग द सेम लाइन है और एक्स एक्सिस पर मौजूद है। ये पहला एस एच एम की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई, एक्स वन इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन। ये हमने कहां से लिखा? इस जनरल इक्वेशन पर से। अगर हम दूसरे के लिए लिखना चाहते हैं तो एक्स टू इक्वल टू क्या होगा? एक्स टू इक्वल टू जाएगा बच्चों ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। ठीक है, ये हमारे पास में मसावत नंबर दो है। ठीक है, ये पहले एस एच एम के लिए है, ये दूसरे एस एच एम के लिए। अब यहाँ पर हमने लिखा है टॉपिक का नाम कंपोजिशन। क्या लिखा है? कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब मैंने आपको शुरुआत में बताया हो, कंपोजिशन का मतलब होता है जमा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों एस एच एम को अब जमा करना पड़ेगा। तो हम जमा कैसे करेंगे? तो जमा करेंगे एक्स बराबर एक्स वन जमा एक्स टू। क्या करेंगे बच्चों? एक्स बराबर एक्स वन जमा एक्स टू। बड़ी सिंपल मैथमेटिक्स है, सिर्फ पूरा कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर रखिए। ठीक है, एक्स बराबर एक्स वन जमा एक्स टू। ये आप सर हमको दिख नहीं रहा है, मारिया इफत कुछ प्रॉब्लम है, हुजैफा आवाज नहीं आ रही है सर। बच्चों आवाज आ रही है बराबर? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। शाहिदा बच्चों कुछ प्रॉब्लम है आवाज में? अबू सर जरा आपका माइक ऑन करके बताइए बच्चों, मेरी आवाज नहीं आ रही बराबर? अबू सर आवाज आ रही है बेटा बराबर? अबू सर माइक ऑन करके जवाब दो। यस सर। नहीं आ रही सर आवाज। उसकी नेटवर्क प्रॉब्लम है यार बेटा, यहां से बिल्कुल क्लियर आवाज मेरी है। हां हमसे बोलता है उसको, चलो नहीं आ रही है सर। हाँ तो आपके सबकी माइक बंद कर दो अभी। हाँ तो देखिए हमने क्या किया, कंपोजिशन का मतलब होता है दो एस एच एम को आपस में जमा करना। तो हमने एस एच एम एक्स वन और एस एच एम एक्स टू को आपस में जो यहाँ पर जमा कर लिया है। ठीक है, अब हमने जमा कर लिया, अब हम वैल्यूज को रख देंगे। हमारे पास मसावत आ गई बच्चों एक्स बराबर एक्स वन जमा एक्स टू। ये हमारे पास में दो एस एच एम का कंपोजिशन है। अब हम क्या करेंगे, एक्स बराबर, अब यहाँ पर हमको वैल्यू को डालना पड़ेगा। तो एक्स वन की वैल्यू हमने यहाँ लिखी है, देखिए एक्स वन की वैल्यू ये है बच्चों, x1 इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन। क्या है बच्चों? x1 इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन और x2 है ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। बस यहाँ रखना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों ए वन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन, ठीक है, प्लस ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू, है ना। क्या किया हमने? सिर्फ x1 और x की वैल्यू को रख दिया जो हमने मसावत नंबर एक और दो में लिखे थे। x1 x इक्वल टू a1 sin omega t plus phi 1 plus a2 sin omega t plus phi 2। अब हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। हम यहाँ पर एक मैथमेटिक्स के फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो मैं आपको बॉक्स में समझा के दे रहा हूँ। वो फार्मूला है बच्चों साइन ए प्लस बी। जिनका मैथमेटिक्स है उनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आपको जिनका मैथमेटिक्स नहीं है, जिनका मैथमेटिक्स है उनको अगर फार्मूला नहीं आया तो याद कर लेंगे। आप सभी को याद करना है साइन ए प्लस बी क्या होता है। तो इसका जो आंसर होता है बच्चों ये होता है इसका आंसर साइन ए इंटू कॉस बी। क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, अब उल्टा आएगा कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये मैथमेटिक्स का। साइन ए प्लस बी किसके बराबर होगा? साइन ए इंटू कॉस बी
प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। याद कर लीजिए, कहीं पर साइड में लिख लीजिए, आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा, साइन ए कॉस बी जमा कॉस ए साइन बी। ठीक है, जो बच्चों के माइक अभी भी शुरू है उन तमाम से मेरी मुहद्दबाना गुजारिश है कि वो अपने माइक को बंद कर दे, दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। तो फार्मूला आपके पास में आ चुका है साइन ए प्लस बी, तो ये हुआ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि आपको अब इसी का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। ठीक है, x इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में, अब मसावा जो हमारी है बच्चों, इसमें देखो ये जो है ना ओमेगा टी प्लस फाइ, यहां हमको ये अप्लाई करना है, क्योंकि ये जो है बच्चों ये है a और ये है b। ठीक है, मतलब जो ओमेगा टी है वो a है और फाइ जो है वो b है, यानी हमको यहाँ पर फार्मूला क्या लिख रहा है, साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी प्लस फाइ, तो साइन तो एज इट इज है देखो, और ओमेगा टी के जगह पर ए है और फाइ के जगह पर बी है, बस यही फार्मूले का हमको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो यहां पर ए वन एज इट इज रखो, अब फार्मूला यहां लगा दो। फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, तो ये साइन ए प्लस बी दिख रहा हमको, तो साइन ए कॉस बी, यानी पहले हम लिखेंगे साइन ए, तो साइन ए, ए के जगह पर क्या बच्चों यहाँ पर ओमेगा टी है, तो यहाँ ओमेगा टी लिखो, साइन ए इंटू कॉस बी, फिर लिखो कॉस, और बी के जगह पर क्या बच्चों फाइ वन है। ठीक है, इज इट क्लियर, ये देखो फार्मूले पर से आ गया, प्लस कॉस ए, फिर लिखो कॉस, और उसमें ए क्या था, तो ए था उसमें ओमेगा टी इंटू साइन, और बी के जगह पर क्या था बच्चों, तो बी के जगह पर फाइव वन है, ये कॉस हमारा वन हुआ, अभी आधा ही हुआ, अभी हमने इतने सॉल्व किया है ना। फिर लिखो प्लस, यहाँ पर ए टू है, ए टू जैसा वैसा है, फिर से हमको यही दिख रहा साइन, ये दिख रहा ओमेगा टी ए है और फाइव टू जो है वो बी है ना, फिर से यही लगाएंगे, ये कॉस यहाँ पर रख दीजिए, साइन ए, तो ये ओमेगा साइन लग दो, और ए यहाँ पर क्या है बच्चों, ओमेगा टी है, साइन ए इंटू कॉस बी, और कॉस बी क्या है यहाँ पर, तो आंसर बी यहाँ पर फाइ टू है, प्लस कॉस ए, तो यहाँ लिखो कॉस, और ए क्या है इसमें बच्चों, ओमेगा टी है, और इंटू साइन बी, और बी की जगह पर क्या है बच्चों, तो आंसर है बी की जगह पर फाइ टू है, ये कॉस यहाँ पर बन हुआ। देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, सिर्फ इसी मैथमेटिक्स के फार्मूले का इस्तेमाल किया है, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ए वन तो हमने बाहर रखा, यहाँ लगाया साइन ए कॉस बी, देखो साइन ए कॉस बी जमा कॉस ए साइन बी, फिर यहाँ पर ए टू एज इट इज है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बस मैथमेटिक्स के फॉर्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, कुछ ज्यादा इसमें नई बात नहीं है, आप एक करोगे तो आपको इंशाल्लाह आज एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलो यहां तक तो हुआ, अब क्या करेंगे, इस a1 से पूरे cos को जरब कर देंगे और इस a2 से पूरे cos को जरब कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा x इक्वल टू a1, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, a1 sin omega t plus cos phi, ये हो जाएगा a1 sin omega t, सॉरी omega t into cos phi 1, ठीक है यही है ना, हाँ cos phi 1 plus, फिर से a से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा a1 cos omega t into sin phi 1, ठीक है, ये हो जाएगा फिर प्लस a1 cos omega t into sin phi 1, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, cos omega t into sin phi 1, ये हुआ हमारा, ये एक cos से अपने इसको जरब किया, अब करो प्लस, अब नीचे वाले a2 से इस पूरे cos को जरब, तो ये जाएगा a2 sin omega t phi cos phi 2, तो ये हो जाएगा आपके पास में a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइ टू, इसको रटने की जरूरत मत करना, कोशिश मत करना रटने की, वरना ये आपको याद नहीं होगा। ठीक है, ये तो पूरी फुल गारंटी देता हूं मैं, ए टू से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस, अब यहां पर क्या बचा, इस ए टू से फिर यहां हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा ए टू कॉस ओमेगा टी साइन फाइ टू, तो ये हो जाएगा आपके पास में ए टू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइ टू। ठीक है, ये हमने इसको सिंपली क्या किया, ए वन ए टू को पूरे कॉस से हमने मल्टीप्लाई यानी कि जरब कर दिया है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, उसको जरा गौर से देखना है। ठीक है, अगर हम मसावात को गौर से देखें, ठीक है, जब हम मसावात को गौर से देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा यहाँ पर कि ये है ए वन साइन ओमेगा टी फाइ और ये है ए टू साइन ओमेगा टी फाइ टू, मतलब यहाँ पर हमें कुछ एक जैसा दिखाई दे रहा है ना, सेम फंक्शन दिखाई दे, साइन कॉस और साइन कॉस, इधर ओमेगा टी उधर है फाइव वन और इधर है फाइव टू। ठीक है, ये हमारे पास में हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x इक्वल टू। ठीक है, अगर हम इसको लिखे तो हम हमारे पास में, अगर मैं यहां से लिखू इसको ए वन साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव वन प्लस ये हो जाएगा ए टू कॉस
सॉरी ए टू ए टू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइ टू है ना, हमने साथ में लिख लिया उसको अभी, सिर्फ क्या किया हमने दोनों को साथ में लिखा, ए वन साइन ओमेगा टी कॉस फाइव वन प्लस ए टू साइन ओमेगा टी कॉस फाइ टू, ठीक है। और आगे बचा है प्लस कर लो, अब इधर ये बचा है, ये बचा हमारे पास में ए वन ठीक है कॉस ओमेगा टी ठीक है, और यहाँ बचा है साइन फाइ वन। आपने ये कंफ्यूज मत होना कि ये जो लाइनिंग है ये लाइनिंग किसकी है, मैं मिटा देता हूँ, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए अंडरलाइन किया था यहाँ पर, ठीक है ये मिटा दिया मैंने। प्लस ए टू कॉस ओमेगा टी फाइ वन, देखो ये वाला हमने यहाँ लिखा ए वन कॉस फाइ कॉस ओमेगा टी प्लस साइन फाइ वन। अब आगे हम क्या वाले को लिखेंगे, मतलब पहले हमने ये वाला लिखा, अब उसके साथ में ये लिखेंगे, ये हो जाएगा बच्चों ए टू हाँ ए टू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइ टू, ठीक है। देखो हमने क्या लिखा, ए वन ए टू को साथ में लिखा, फिर नीचे ए वन ए टू को साथ में लिखा, बस नया कुछ भी नहीं है इसमें। हमने ए वन साइन ओमेगा टी मतलब जिसमें मैंने स्ट्रेट लाइन खींचा हो उसको दोनों को एक साथ में लिखा, और जिसमें मैंने इस तरह से ऐसे 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 लाइन लिखा हो उन दोनों को मैंने यहाँ पर साथ में लिखा हो, तो प्लस ए वन कॉस ओमेगा टी साइन फाइव वन जमा ए टू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव टू, बस इतना ही हमने यहाँ पर मतलब इसमें चेंज किया है। ऐसा हमने क्यों किया आपको अभी फिलहाल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अगर हम देखें, देखो मैं इसको ना दूसरे पेन से लिखने की कोशिश करता हूँ, शायद यह कलर, हाँ कलर चेंज होता है, कलर मैं यहाँ पर इसको ना रेड कर देता हूँ। अब जरा देखो इन दोनों को गौर से देखो, पेन आ जाइए, इन दोनों को गौर से देखो, ए वन साइन ओमेगा टी कॉस फाइव वन जमा ए टू साइन ओमेगा टी कॉस फाइव टू, इन दोनों में हमें यहाँ पर क्या चीज मुश्तरिक दिखाई दे रही है, हमें यहाँ पर क्या चीज मुश्तक एक जैसी, कोई लड़की का माइक ऑन है, जिस लड़की का भी माइक ऑन है वो लड़की माइक अपना बंद कर दे। फिलहाल जिस पर मैंने अंडरलाइन किया हो A1 जमा A2 sin omega t cos phi 2, इसमें से क्या हम मुश्तरिक निकाल सकते हैं, हमें क्या एक जैसा दिख रहा है, तो जरा आपको आपका जवाब दे रहा है, बताइए चैट के अंदर कि आपको यहाँ पर क्या मुश्तरिक दिखाई दे रहा है, मुश्तरिक मतलब एक जैसा, बताइए चैट में। साइन ओमेगा टी कॉस फाइ और साइन ओमेगा टी कॉस फाइ टू, सर कॉस और साइन बताइए यहाँ पर इसमें से क्या मुश्तरिक निकलेगा, हाँ वेरी गुड, सही आंसर है, आप माइक ऑन करके भी जवाब दे सकते हैं। मारिया इफक का आंसर सही है, साइन ओमेगा टी, साले अलमास का भी आंसर सही है, नेहा अंजुम आपका भी आंसर सही है, साइन ओमेगा टी सर, साइन ओमेगा टी, हाँ हाँ वेरी गुड, साइन ओमेगा टी यहाँ से मुश्तरिक निकलेगा, बहुत बढ़िया। चलो माइक बंद कर दो, तुमने जवाब दिया यहाँ से कि हम साइन ओमेगा टी को मुश्तरिक निकाल सकते हैं, तो बस हम यही करेंगे कि इसमें से साइन ओमेगा टी को मुश्तरिक लेंगे, ठीक है। तो देखो अच्छा ये हुआ, अब जरा इसको कलर यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, इसको भी जरा समझिए, जैसे अगर मैं इसको ना ग्रीन से लिखूं तो ये वाले इसमें क्या कॉमन निकलेगा, तो अगर हम यहाँ गौर से देखें तो हमको यहाँ पर कॉस ओमेगा टी निकलते दिखाई देता है, मतलब दोनों में जो कॉमन है वो कॉस ओमेगा टी है, तो बस हम दोनों में से कॉस ओमेगा टी को बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास मसावात क्या बचेंगी, हमारे पास मसावात बचेंगी बच्चों एक्स बराबर, हमने क्या कॉमन निकाला, पहले हमने निकाला साइन ओमेगा टी, देखो यहां से आप लोगों ने बोला कि साइन ओमेगा टी निकलेगा, तो क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी बाहर चलेगा, यहाँ बचेगा ए वन कॉस फाइव वन, क्या बचेगा ए वन कॉस फाइव वन जमा फिर साइन ओमेगा टी बाहर चल गया, यहाँ बचेगा ए, यानी कि यहां बचेगा हमारे पास में ए वन कॉस फाइव वन जमा ए टू कॉस फाइव टू, ठीक है। देखिए क्या हुआ, सिर्फ हमने दोनों मसावात में से मतलब जिसका रेड दिखा रेड लाइन लगी हुई है हर जगह से साइन ओमेगा टी को बाहर निकाला, तो इधर बचा ए वन कॉस फाइव वन जमा ए टू कॉस फाइव टू, ठीक है। अब हम लिखते हैं यहाँ पर प्लस, नीचे वाली मसावात में से जिसमें ग्रीन लाइन है वहां से कॉस ओमेगा टी अगर बाहर निकलेगा तो यहाँ लिख लीजिए कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ क्या बचता है बच्चों, यहाँ बचता है ए वन साइन फाइव वन, ठीक है ए वन साइन फाइव वन, दो मिनट, ए वन साइन फाइव वन, ठीक है, प्लस ए टू साइन
फाइ टू। देखो मैं आपको बताता हूँ, हमने यहाँ से कॉस ओमेगा टी को बाहर निकाला तो यह बचा ए वन साइन फाइव वन जमा ए टू साइन फाइव टू, क्योंकि यहाँ से कॉस ओमेगा टी बाहर जा चुका है। ठीक है, इतना हमारे पास में आ गया। अब जरा यहाँ गौर करने वाली बात है, मैं आपको समझा रहा हूँ, बड़ा गौर से समझना है। यहाँ पर ए वन ए टू, ठीक है, उसके बाद में फाइव वन और फाइव टू, ये बच्चों जो है सबके सब ये कॉन्स्टेंट टर्म है। क्या बच्चों, ये सब कॉन्स्टेंट टर्म है। ए वन इज एम्पलीट्यूड, ए टू इज ऑल्सो एम्पलीट्यूड, फाइव वन एंड फाइव टू इज अ फेस, ये सारी जो वैल्यूज है बच्चों ये इसमें कॉन्स्टेंट है। सिर्फ साइन और कॉस जो है बच्चों ये एक वेरिएबल्स है। क्या बच्चों, ये सॉरी साइन और कॉस नहीं, यहाँ पर जो ओमेगा टी लगा है साइन के साथ में, ये ओमेगा टी और ये ओमेगा टी ये वेरिएबल है। हम ये लिख लेंगे कि यहाँ पर ओमेगा टी जो है बच्चों वो क्या है, वेरिएबल है। क्या बच्चों, ये वेरिएबल है। और ए वन ए टू फाइव वन फाइव टू ये सारे जो है बच्चों ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ए वन ए टू फाइव वन फाइव टू कॉन्स्टेंट है, और उसी के साथ साथ में जो यहाँ पर ओमेगा टी है बच्चों ये क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो बॉक्स में जो हमारा लिखा है, देखो सॉरी इसमें कॉस में जो लिखा है, हम इसके जगहों पर एक कॉन्स्टेंट इस्तेमाल करेंगे। ये क्यों इस्तेमाल करेंगे वो आपको आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, फिलहाल आपको सिर्फ बोर्ड पर अभी हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम आर करो आर कॉस डेल, ठीक है, इक्वल टू। अब r cos del हम जिसको लिख रहे हैं बच्चों, तो उसमें ना देखो जिसमें जो वाले ब्रैकेट में आपको cos फंक्शन दिखाई दे रहा है वहां पर हम cos फंक्शन लिखेंगे, तो r cos del 1 जो होगा बच्चों पूरे ब्रैकेट के बराबर हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा r cos del 1 बराबर हो जाएगा ये a1 cos phi 1 जमा a2 cos phi 2। देखो हमने क्या किया है कि इसके जगह पर क्या लिखा, आर कॉस डेल वन, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, तो इसके जगह पर लिखेंगे आर साइन डेल वन। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हम आर साइन डेल, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम आर साइन डेल, तो आर साइन डेल किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर जो आर साइन डेल जो होगा बच्चों उसके जगहों पर हम लिखेंगे, आर साइन डेल के जगहों पर हम लिखेंगे ए वन साइन फाइव वन जमा ए टू साइन फाइव टू। ठीक है, देखो क्या किया हमने, हमने सिर्फ यहाँ पर इसके जगहों पर ये वाले की जगहों पर आर कॉस डेल डेल रखा, ठीक है, और यहाँ पर आर साइन डेल रखा। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट हमने इस्तेमाल की, क्यों इस्तेमाल किए, क्योंकि हमको इक्वेशन को छोटी करना है, इसके लिए हमने ऐसा किया है, तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब हमने अगर ये इस्तेमाल किया है तो हमारी मसावातें क्या बन जाएंगी, तो हमारी मसावात बनेंगी बच्चों एक्स बराबर क्या थी, ये साइन ओमेगा टी, तो पहले यहां लिख लेते हम साइन ओमेगा टी। ठीक है, और पूरे कॉस के अगोबा जहां कॉस है उसको हम क्या लिखते हैं, आर कॉस डेल, देखो हमने यहीं पर लिखा ना आर कॉस डेल, तो हम क्या करेंगे इसके अगोबा लिख लेंगे आर कॉस डेल्टा। ठीक है, ओके चलो, प्लस फिर क्या बचा हमारे पास है, प्लस हमारे पास में बचा कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ लिख लीजिए कॉस ओमेगा टी और यहाँ लिख लीजिए आर साइन डेल, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है ए वन साइन डेल वन अल्फा वन जमा ए टू साइन अल्फा टू, जगह पर हमने क्या लिखा है, हमने यह तस्लीम किया है इसमें आर साइन डेल लिखेंगे, तो हमने दोनों की जगहों पर वहां पर लिख दिया है। अब फिर से यहाँ पर एक मैथमेटिक्स का फार्मूला इस्तेमाल होता है, पहले उसके पहले हम क्या करेंगे इसको मैं और छोटा कर देता हूँ, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, तो इस पूरी मसावात से जो है बच्चों, इस पूरी मसावात से जो है आर हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा बच्चों साइन ओमेगा टी कॉस डेल, ठीक है, जमा कॉस ओमेगा टी साइन डेल। ठीक है, देखो क्या किया हमने, सिंपली यहां से हमने आर को बाहर निकाला, तो आपके पास में ये मसावात बन गई कि हमारे एक्स इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी कॉस डेल कॉस ओमेगा टी साइन डेल। ठीक है, अब समझिए आगे, फिर से मैं मसावात को यहां लिख लेता हूं, तो हमारे पास में बचा है आर साइन ओमेगा टी और यहां पर है कॉस डेल प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन डेल। देखिए यही मसावात है, हाँ यही मसावात है, आर साइन ओमेगा टी कॉस डेल जमा कॉस ओमेगा टी साइन डेल। ठीक है, चलो आर साइन ओमेगा टी कॉस डेल, हाँ बराबर है, फिर से मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, एक्स इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, ठीक है, इसको हम कॉस में लिखेंगे क्योंकि हमने आर को बाहर निकाला, और यहाँ हमारे पास में कॉस डेल जमा कॉस ओमेगा टी इंटू साइन डेल। दोबारा मैंने मसावात लिखा, कोई नई बात नहीं है इसमें, ठीक है, ये कॉस को कर दो ऐसे बन, ठीक है, ये कॉस हो गया हमारे पास में बन, ठीक है, ये कॉस हमारे पास में, इसको क्या करना है आपको बन करना है। ओके, आप समझिए यहाँ पर एक और मैथमेटिक्स का फार्मूला बना,
देखो साइन ए कॉस बी दिख रहा आपको, साइन ए कॉस बी जमा कॉस ए साइन बी, मैंने अभी अभी आपको फार्मूला समझा के दिया, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी जमा ये दिख रहा आपको कॉस ए साइन बी, यानी इस पूरे जाब्ते में ए की जगह पर ओमेगा टी है, बी की जगह पर डेल है, ए की जगह पर ओमेगा टी है, बी की जगह पर डेल है, ये किसके बराबर होता है? तो मैंने अभी अभी समझाया, ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, किसके बराबर होता है बच्चों? साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी किसके बराबर होता है? साइन ए कॉस बी जमा कॉस ए साइन बी, क्योंकि मैंने ये वाले शीट में आपको यहाँ वापस करवाया था, ये वाला देखो साइन ए प्लस बी किसके बराबर? साइन ए कॉस बी जमा कॉस ए साइन बी, यानी यहाँ जो बन गया हमारा वो इत्तेफाक से क्या बन गया? साइन ए कॉस बी जमा कॉस ए साइन बी, यानी इसके जगह पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आंसर है इसके जगह पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक्स बराबर, आपको जैसा का वैसा रहेगा, साइन ए कॉस बी जमा कॉस ए साइन बी के जगह पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं साइन ए प्लस बी, और यहाँ पर ए के जगह पर ओमेगा टी इस्तेमाल हो रहा है और बी के जगह पर डेल इस्तेमाल हो रहा है, तो यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? साइन ए कॉस बी जमा कॉस ए साइन बी को, और इसको लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे इसको बच्चों? साइन ए प्लस बी, ए के जगह पर क्या इस्तेमाल हुआ? ओमेगा टी, और बी के जगह पर क्या इस्तेमाल हुआ? तो बी के जगह पर इस्तेमाल हुआ बच्चों डेल, ये हमने यहाँ डेल लिख दिया, यानी हमारे पास में ये मसावात जो आई है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट मसावात है कि x इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस डेल, इसका क्या मतलब है? इसका यही मसावात हमको फिलहाल निकालनी थी, इसका ये मतलब है कि जब दो SHM सेम पाथ और सेम टाइम के अंदर अगर प्रोपेगेट होते हैं, कंबाइन अगर होते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है बच्चों वो कितना आता है? तो आंसर है x इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस डेल, यानी उनका फेज जो है बच्चों यहाँ पर देखो इनका फेज क्या है? ओमेगा टी प्लस डेल आया है, क्या है इनका फेज? ओमेगा टी प्लस डेल आया है, और यहाँ पर x इक्वल टू फार्मूला बना है बच्चों r साइन ओमेगा टी प्लस डेल, ये है बच्चों कंपोजिशन ऑफ टू एस एच एम, कंपोजिशन ऑफ टू एस एच एम, ठीक है s लगाना पड़ेगा, ये है बच्चों कंपोजिशन ऑफ टू एस एच एम, x इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस डेल, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, एग्जाम में आता है। अब समझिए ये आपको कैसे आएगा, कैसे याद होगा, तो इसको याद करने का तरीका है, आप इसको याद नहीं कर सकते, आपको इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप इसके एक दो से तीन बार प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स जो है इसमें स्टडी मटेरियल्स में ऑलरेडी अपलोडेड रहेंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, सारे ऑसिलेशंस के लेक्चर मैंने ऑनलाइन आपके लिए पब्लिक कर दिया, आप वहां से भी देख सकते हैं, पूरा जो है प्रैक्टिस कीजिए, ये पूरा जो चैप्टर बच्चों प्रैक्टिस पर ही डिपेंड है, जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतना ज्यादा इसमें सक्सेस होगा, ठीक है। मैं आपको खुद मेरी बात बताता हूँ, अगर मुझे भी चैप्टर अगर पढ़ाना है तो मैं भी इसके अच्छे से प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, आप बिल्कुल इसको प्रैक्टिस कीजिए, ये हमारे लिए आसान हो जाए करते हैं। अब एक चीज हमको यहाँ पर और निकालनी है कि इस मसावात ये डेल हम निकालेंगे, तो समझिए हम डेल कैसे निकालेंगे। हमने यहाँ जो मसावातें लिखी है बच्चों ये देख लो जरा, ये वाली मसावात r cos डेल, ठीक है, a1 cos phi1 जमा a2 cos phi2, और यहाँ पर r sin डेल a1 sin phi1 जमा a2 sin phi2, हम इसको क्या करेंगे, इसको ना हम मसावात नंबर एक बोल देते हैं, और सॉरी इसको उल्टा करते हैं, हाँ ये वाली जो मसावात है साइन वाली बच्चों इसको मसावात नंबर एक बोलते हैं, और कॉस वाली को मसावात नंबर दो बोलते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम, अब जरा समझिए, हम यहाँ पर जो है बच्चों मसावात नंबर एक को तकसीम करेंगे मसावात नंबर दो से, क्या करेंगे बच्चों? तकसीम करेंगे मसावात नंबर एक को मसावात नंबर दो से, हम सिंपली क्या करेंगे, तकसीम करेंगे मसावात नंबर एक तकसीम मसावात नंबर दो, ठीक है। मसावात नंबर एक आपके पास में क्या है? r cos डेल, फिर मसावात नंबर एक के r sin डेल, और मसावात नंबर दो के r cos डेल, दोनों को तकसीम कर लेना है सिंपली, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में r साइमा परवीन अपना आवाज बंद करो माइक का, r sin डेल, ठीक है, मसावात नंबर एक लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, यहाँ होगा a1 sin phi1 जमा a2 sin phi2, ठीक है, a1 sin phi1 a2 sin phi2, ठीक है, चलो डिवाइडेड बाय मसावात नंबर दो आपके पास में क्या है, मसावात नंबर दो आपके पास में है बच्चों r cos del, और यहां बचता है a1 सॉरी a1 cos phi1 जमा a2 cos phi2, ठीक है। देखो क्या किया हमने, ये मसावात नंबर एक और जो दो थी, ये मसावात नंबर एक थी ये दो थी, बस और सिंपली दोनों को तकसीम कर दिया। देखो यहां से r कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास में टेन डेल,
ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं साइन अपन कॉस क्या होता है, डेल होता है, ठीक है, सॉरी टेन होता है, और डेल यहाँ पर लग चुका है, और अब इसको कॉस में लिख लेंगे हम, ये आ जाएगा आपके पास में a1 sin फाइव वन जमा a2 sin फाइव टू, ठीक है, बटे a1 cos फाइव वन जमा a2 cos फाइव टू, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों को जमा किया, हमको क्या निकालना था, मैंने आपको अभी समझाया, हमको ये डेल निकालना है, बस हम ये डेल निकाल लेंगे, तो यहाँ डेल अगर निकालना है टाइम द प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों, इनवर्स हो जाएगा, यानी सिंपली हम क्या करेंगे उसको इनवर्स लिख देंगे, आपके पास टेन इनवर्स के बजाय हमारे पास में जो ऑलरेडी बचा हुआ है वो क्या है a1 sin, ठीक है, फाइव वन जमा a2 sin फाइव टू डिवाइडेड बाय a1 cos फाइव वन जमा a2 cos फाइव टू, ठीक है, ये आगे बच्चों हमारे पास में डेल साइमा परिन आपका माइक ऑफ करो, ये आ गई हमारे पास में डेल की वैल्यू क्या आ गई है, डेल इक्वल टू टेन इनवर्स a1 sin फाइव वन जमा a2 sin फाइव टू डिवाइडेड बाय a1 cos फाइव वन जमा a2 cos फाइव टू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मसावात है, तो ये जो दो मसावातें हमने निकाली है, सबसे पहले हमने कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन निकाला है, तो उनका कंपोजिशन क्या आया, कंपोजिशन आया x इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल, फिर यहां से अगर डेल निकाला तो डेल आपके पास में आ चुका है, डेल बराबर टेन इनवर्स a1 sin फाइव वन जमा a2 sin फाइव टू डिवाइडेड a2 cos फाइव टू, फिलहाल हमारा आज का जो 45 मिनट का जो वक्त है वो यहाँ हो रहा है, अभी इसके कुछ केसेस बाकी है, ठीक है, कुछ कंडीशंस निकालना बाकी है, जो इंशाल्लाह लजीज हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह उसको जरूर ब जरूर देखने वाले हैं, फिलहाल आज मैंने जितना करवाया हो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और आज जो वीडियो है बच्चों इसका स्टडी मटेरियल आपको क्लास 12th में जाना है, साइड में सबसे लास्ट में एक स्टडी मटेरियल का कॉलम होता है, उसमें स्टडी मटेरियल ऑलरेडी अपलोडेड है, उसी के साथ साथ में सारे मैंने जो चैनल्स के मतलब जो वीडियो आप उसको डाउनलोड करके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कल हमारा फिर लेक्चर अगर पॉसिबल हुआ तो कल हमारा लेक्चर इसी हम हमारे ऐप के ऊपर इंशाल्लाह लजीज 7:30 या 7:25 प्रैक्टिस मैप पर शुरू करेंगे, इस वीडियो को भी मैंने रिकॉर्ड किया हूँ, ये भी ऑलरेडी उस पर रिकॉर्डिंग अपलोडेड हो जाएंगी, ठीक है, फिलहाल हम आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं, मुझे इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अच्छा दिख रहा मजा वाह।